ये तेरी फोटो पे चाकू कौन चलाने वाले पहले ही बता दे। इसलिए दूर रहना चाहिए हमेशा, औरतों से हमेशा दूर। तो एक काम करते हैं भाई, 10-15 मिनट में गाड़ी आने वाली है एंड मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि इसने जो गाड़ी ली है ना उसका कलर क्या होने वाला है। यहाँ पे एक गाड़ी ऐसी भी खड़ी है जो एक्चुअली 30-40 लाख रुपीस की रेंज में आती है, बट उसको देख के तो मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आया। ये लव है, लिटरली लव, DSG गियरबॉक्स एंड दिस इज लव। ये तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है मैं BMW में बैठूं। तो फाइनली ये मौसम ठीक हो चुका है एंड अपन आ गए हैं बैक टू बेसिक, बैक टू मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल, क्योंकि बीच में बरसात इतनी हो रही थी कि मतलब मैं एक्चुअली व्लॉग ही नहीं कर पा रहा था। बट अभी बारिशें बंद हो गई हैं, रोड्स काफी हद तक ठीक हो गई हैं, सूखी तो नहीं है 100%, बाइक ले जा सकते हैं, मतलब इतना मैनेजेबल हो चुका है। बाइकें आ चुकी हैं इस टाइम घर पे 3, वैसे अपने पास हैं टोटल 5, मतलब एक बक को मिला के 4 और, पर इस टाइम पे 3 घर पे खड़ी हैं, सिर्फ एक अपनी वायरल को छोड़ के बाकी सारी बाइक्स इस टाइम घर पे आ चुकी हैं। तो H2 का एक मैंने टीजर डाला था, टीजर मतलब कि एक फोटो डाली थी ब्लैक एंड व्हाइट करके इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड बिलीव मी जो आंसर्स आए ना नीचे, उन आंसर्स में से 80% लोगों ने सही आंसर दिया था। एंड बिलीव मी ये देख के ना मतलब मुझे भी खुद को बहुत अच्छा लगा कि टर्बो फैमिली कितना पहचानती है अपने को एंड कितना जानती है। तो ये रहे मिस्टर कुचू, ये रहे। आज सुबह भी मैंने एक स्टोरी डाली थी और मैंने ये बोला कि इस फ्रेम में यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, तो सब ने लिख दिया कि ये भाई साहब जी मिसिंग है। एंड एक्चुअल में ये इतना शैतान हो चुका है ना इस टाइम पे, और इसका ग्रूमिंग का फुल टाइम आ चुका है। तो इसका ग्रूमिंग का वीडियो आएगा जल्दी इसी के चैनल पे और ग्रूमिंग कराएंगे इस बार थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो ये रही गाइस, अब टायर स्टिकर से समझो ये कौन सी बाइक है। यहाँ पे खड़ी है एक और S1000RR, जल्दी इसका काम स्टार्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे एक और बाइक, आज अपन जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन में। अब ओकेजन स्पेशल है और मेरे ख्याल से वहाँ पे काफी मजा आने वाला है, ऑल्दो यहाँ से डिस्टेंस काफी है। ये रही अपनी टर्बो फॉर्च्यूनर एंड अब अपनी वायरस को निकालने का टाइम आ चुका है क्योंकि बारिशें खत्म हो गई हैं एंड रोड्स काफी हद तक ठीक हो गई है। तो लेट्स ट्रेवल ऑन टर्बो फॉर्च्यूनर फॉर अनदर मेरे ख्याल से 2 घंटे। तो ये देखो टाइम 1:08 दिखा रहा है, अभी भी रास्ता और मैं ऑलरेडी हाईवे पे हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब ये तो व्यू ही बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही खतरनाक व्यू, और आसमान भी बिल्कुल साफ, ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू दिख रहा है सब कुछ। ये रास्ता मुझे पर्टिकुलरली बड़ा ही पसंद है, स्पेशली अगर बाइक पे भी आओ तो भी बड़ा मजा आता है। ऑल्दो इस रास्ते पे मैंने कभी भी व्लॉग नहीं किया है, बट अभी यहाँ से चलते हैं सीधा रोहतक। तो आज रोहतक क्यों जा रहा हूँ ये रोहतक जाके ही बताऊंगा, मतलब अभी से नहीं रिवील करना चाहता हूँ कि रोहतक जाके हम क्या करने वाले हैं। तो आज काफी सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा आप सबको। और ये रे बीमार प्राणी, हेलो आई तो कर दो। ये बैठी बैठी सबको नवरात्रि विश कर रही है फोन पे, एक एक करके लगी पड़ी है। मैं बोर हो रहा था, मैंने चलो एक काम करते हैं व्लॉग ही कर लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको दिखा देता हूँ रोड वगैरह। रोड बहुत जबरदस्त है, बाइक लेके आऊंगा जल्दी यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे मोटो व्लॉग करेंगे एंड थोड़ी सी फोटोग्राफी भी करेंगे। तो गाइस फाइनली मैंने कार पार्क कर दी है एंड यहाँ पे और भी ये सारी गाड़ियां अपने लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चैनल भी है पिस्टन वाइब भाई का चैनल, अच्छा आपका भी चैनल है, बता दो भाई नाम। क्या बात है, तो सारे व्लॉग्स यहाँ पे ही आज बनने वाले हैं और तगड़ा मजा आने वाला है। सामने ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में अपने को जाना है एंड चलते हैं अंदर बिल्डिंग में। तो गाइस ये आ गया रॉयल एनफील्ड, और रॉयल एनफील्ड में क्या करने आए हैं, तो कुछ तो करने आए हैं रॉयल एनफील्ड में। अब क्या करने आए हैं ये थोड़ा सस्पेंस है एंड मेरे ख्याल से एक सरप्राइज डिलीवरी शायद हो जाए। भाई ऐसा व्यू है कुछ शोरूम के अंदर से, और शोरूम के अंदर काफी हैपनिंग लग रहा है इस टाइम पे, और हैपनिंग एक्चुअली अच्छा खासा हैपनिंग। पहले ना सरप्राइज, या पहले लोगों से मिलू, चलो पहले लोगों से मिलवा लेते। तो भाई ये रहे सारे क्या बात है, सारे इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे लोग एंड एक्चुअल में इसके लिए। तो ये वाला पर्टिकुलर पीस नहीं है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, मेरे को मतलब देखते ही बिल्कुल मजा आ गया। दिस इज वर्टस, वर्टस राइट, वर्टस विल बी द राइट फॉर्म जो कहेंगे इसको। कार लग रही है बहुत ही स्पेशल, दिस इज 1 लीटर, अपन ने कौन सी ली है, GT 1.5। तो भाई प्रथम, भाई प्रथम शौकीन, चैनल इनका सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ड्रैग रेसेस देखनी हो और बहुत सारी रेसेस देखनी हो, तो भाई हर कार को ले आते हो अपने चैनल पे हैं। और ये भी इसीलिए लिए 1.5, मतलब 100% भगानी है गाड़ी। तो ट्यून व्यून करने का भी मिला है,
बिल्कुल पट्टिंग मतलब बिल्कुल मजा आने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है। मतलब अब ये ना आधी गाड़ियां तो जब आसपास होंगी या आसपास के सेगमेंट की गाड़ियां होंगी उनको तो ये वैसे ही मतलब पीछे पीछे छोड़ता हुआ धुएं चटा रहा होगा सबको। बट एनीवेज कार इज सो ब्यूटीफुल। बट मैं सोच रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर व्हाइट कार को नहीं दिखा के अपनी वाली गाड़ी अभी आपकी प्रिपेयर हो रही है। कितना टाइम लगेगा? अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चलो एक काम करते हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर दिखाता हूँ कंप्लीट कार अच्छे से और एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। वैसे तो घर ले आएंगे आज ही लेके चलेंगे ना, तो फिर तो टेस्ट ड्राइव हो ही जाएगी, रास्ते में चलाएंगे अभी। तो फाइनली यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं और वेट करते करते भी टाइम देख लो करीब 5:30 बजा दिए भाई ने। क्या चाह रहे हो आज, मतलब आज चाहते क्या हो? ढीला है थोड़ा। अच्छा ये ढीला है, अभी स्टॉक यार्ड से इनकी गाड़ी अभी निकली है। ओहो, जो मेरी वाली गाड़ी है। तो स्टॉक यार्ड कहाँ है इनका? यहाँ से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, फिर तो जल्दी आ जाएगी, मतलब 10-15 मिनट में आ जाएगी ऑल एंड ऑल। चलो तो एक काम करते हैं भाई, 10-15 मिनट में गाड़ी आने वाली है एंड मैं आई एम रियली एक्साइटेड कि इसने जो गाड़ी ली है ना उसका कलर क्या होने वाला है। मतलब इन्होंने जो कलर बताया दैट इज समथिंग ग्रे। कौन सा ग्रे था? कार्बन स्टील ग्रे। कार्बन स्टील ग्रे। अभी आप देखो ब्लैक लगती है। अच्छा, दिन में ग्रे लगेगी। हाँ। क्या बात है, मतलब कलर चेंज होने वाले हैं, मतलब भाई की लाइफ चेंज होने वाली है, कलर चेंज होने वाले हैं। तो बाकी में मतलब एक्चुअली 1.5 के साथ जो मजा आने वाला है ना चलाने में, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ वॉक्सवैगन एंड बीएमडब्ल्यूज एंड स्कोडास। बेसिक एक प्लेटफॉर्म है, मतलब मदर कंपनी तो एक ही है और चलने में इतना मजा आता है ना, मतलब चलाने में एक्चुअली इस गाड़ी को इतना मजा आता है कि मतलब दिल खुश हो जाता है। रीसेल वैल्यू को लेके शायद थोड़ा सा इशू है कि नहीं है, थोड़ी सी कम है। भाई से एक काम करते हैं, पहले ये पूछते हैं कि भाई पहले आपके पास क्रेटा थी? हाँ जी। ठीक है, क्रेटा इज अ वेरी सॉफ्ट ड्रिवन कार, मतलब बिल्कुल स्मूथ और मेरे ख्याल से फीचर्स भी उसके अंदर थोड़ी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। हाँ। अगर हम वॉक्सवैगन से कंपेयर करते हैं तो उसके बाद वॉक्सवैगन पे क्यों है? आपको याद हो तो क्रेटा भी मेरे पास 1.4 पेट्रोल टर्बो थी, राइट, वो परफॉर्मेंस वाली थी क्रेटा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस रेंज में मेरे को यही गाड़ी समझ आ रही थी। ठीक है, मतलब अराउंड 20 लाख के बजट में। हाँ, हाँ, यही वाली गाड़ी पसंद। कुछ मेरा चैनल की यूएसपी भी फास्ट कार्स, फास्ट हो गया, तो मेरा फिर इसलिए यही प्लान बना। और अब आपने ये गाड़ी पहले चलाई है? हाँ, मैंने चलाई थी, टेस्ट ड्राइव करा। ठीक है, टेस्ट ड्राइव ली थी प्रॉपर। मुझे भी ऐसी उम्मीद है एंड वैसे भी डीएसजी वाले गियर बॉक्स जिसमें भी कार में होता है उसको चलाने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग डिफरेंस होती है, डिफरेंट तरीके से गियर शिफ्ट होता है एंड ऑल इन ऑल मजेदार होता है। अच्छा एक चीज और बता, डीएसजी चलाई है तुमने, एटीवी चलाई हुई है, ठीक है, उसके बाद टॉप कन्वर्टर वाली भी चला ली होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस सीवीटी भी चलाई होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी? डीएसजी डीसीटी होगी है। एंड टॉप कन्वर्टर कैसा लगा? टॉप कन्वर्टर ओरो से बेटर है लेकिन डीएसजी ज्यादा अच्छा है, डीएसजी ज्यादा पर रिलायबल है, टॉप कन्वर्टर, रिलायबल टॉप कन्वर्टर है। हाँ। चलो तो एक काम करते हैं, अब चला के देखते हैं, बस इसकी गाड़ी आ जाए, मैं देखना चाहता हूँ अंदर से और उसके बाद एक बार छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे। और भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस और थैंक यू फॉर थैंक यू इतनी देर वेट करने के लिए। 340 वी आर टॉकिंग अबाउट बीएमडब्ल्यू आई 340i। इट्स अ ग्रेट कार, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है एंड परफॉर्मेंस उसकी ऐसी होती है कि अगर किसी को 70-80 लाख रुपये खर्च करने हो और उसको 1.5 करोड़ वाली गाड़ी के मजे लेने हो तो उसके अंदर एक्चुअली वो वाली एक ट्यूनिंग हो सकती है जो ऑटोमार्क से हो जाती है। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट एक्चुअली बता रहा हूँ, बड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि आप 340 को इतना ट्यून कर सकते हो कि वो प्रैक्टिकली M3 जितनी परफॉर्मेंस दे। फाइनली कुछ ऐसा दिखता है शोरूम और ऑनेस्टली बताऊँ तो एक्सपीरियंस वॉज पुअर। 2 बजे का इन्होंने नाम लिया डिलीवरी देंगे एंड टाइम हो रहे हैं अब 6:15। अब जाके गाड़ी पीछे आई है एंड अभी भी पीछे ऊपर नहीं आई है, मतलब अभी भी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर एंड एक्सपीरियंस पूर रहा है। ऑल इन ऑल दिस इज अ गुड कार, ग्रेट कार, सेम कार आने वाली है इन अ डिफरेंट कलर एंड ये वाला मॉडल है एग्जैक्टली जो सामने खड़ा हुआ है। एक चीज मुझे अच्छी लगी वो है ये लाइटिंग सेटअप, ये एक्चुअल में सुंदर है। तो ये पूरी कार ऐसी ही दिखेगी। दिस इज 1 लीटर, इसने जो प्रथम ने ली है दैट इज 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर पेट्रोल सॉरी एंड ऐसी कुछ सीट्स होंगी उसके अंदर एंड कलर थीम अंदर से अलग होगी। एलॉय भी उसके अंदर डिफरेंट आएंगे, ये यहाँ पे ड्यूल टोन एलॉय है। प्रथम वाली जो गाड़ी है उसके अंदर ब्लैक एलॉयज आएंगे विद रेड कैलिबर्स एंड थोड़ा थोड़ा कॉस्मेटिक डिफरेंस होगा बट ऑल एंड ऑल गाड़ी अच्छी लग रही है। ये भी एक सुंदर गाड़ी है बट थोड़ी सी मुझे इंटीरियर वाइज थोड़ी इंफीरियर लगी। ऑल एंड ऑल अगर इस गाड़ी की बात करूं तो करीब 20 लाख रुपए की, ये गाड़ी की भी बात करूं तो 15 से 20 लाख रुपए की रेंज की गाड़ी है बट मुझे इंटीरियर थोड़ा सा
मज़ा नहीं आया। मतलब ये जो अंदर का ये सेटअप है ये देख के मुझे कोई खास मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे एक गाड़ी ऐसी भी खड़ी है जो एक्चुअली 30-40 लाख रुपीज़ की रेंज में आती है, बट उसको देख के तो मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया। मतलब बड़ी छोटी सी लग रही है एंड वो खड़ी है सामने अराउंड 30-40 लाख रुपीज़ सेगमेंट, बट कार लग रही है बड़ी ओके सी। ऑल इन ऑल मज़ा नहीं आया उसको देख के। मतलब जब 40 लाख रुपये आप खर्च कर रहे हो ना तो फिर बहुत प्रीमियमनेस होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। एक्चुअली फील होना चाहिए कि वो 40-50 लाख रुपए की गाड़ी है। इनको देखो प्राइसलेस होके भी इतने सुंदर लगते हैं, इतने इतने ऐसे लगते हैं चमकते हुए, हमेशा चमकती हुई सी शक्ल। हमें देखो, हम बेचारे गरीब आदमी, कोई भी आगे ऐसे चिल्लर पटाई चला हाँ सुबह में ब्रेड लेने गया, उसको पैसे दिए मैंने 50 रुपये, उसने 5 रुपये ऐसे चिल्लर पटा दी मेरे हाथ में। ये देखो चिल्लड़ के चक्कर में UPI पेटीएम करते रहते हर जगह पे। इसलिए दूर रहना चाहिए हमेशा, औरतों से हमेशा दूर रहो। पहले केक काटेंगे, पहले हम केक काटेंगे फिर अनकवर करेंगे। तो पहले केक काटते हैं। कार अभी इसके नीचे खड़ी है, मैंने भी नहीं देखी अभी तक, कलर नहीं पता। तो कलर बड़ा स्पेशल है, मुझे ऐसा पता लगा इसका। चलो इसको जलाएगा कौन, जिसके पास माचिस होगी। चलो भाई कहाँ से आई है माचिस, कौन से है माचिस वाले लोग यहाँ? ये तेरी फोटो पे चाकू कौन चलाने वाला है पहले ये बता दे। फाइनली भाई केक कट चुका है एंड सब में बटेगा, मैं केक कटेगा सब में बटेगा। हाँ चलो चलो भाई। सबसे अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज ब्लैक, कॉन्ट्रास्ट सारा ब्लैक है इसका, अच्छी लग रही है। एलॉयज भी पूरे ब्लैक है, ये रहे एलॉयज, कंप्लीट ब्लैक एलॉयज, बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी। यस एंड इसका इंटीरियर भी, ओए गाड़ी लॉक खड़ी है, चाबी फाइनली आ गई है गाड़ी बाहर शोरूम के एंड लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आई लव द रियर लाइट्स, बहुत स्मार्ट लग रही है गाड़ी एंड अंदर इसमें मुझे एम्बियंट लाइट भी नज़र आई, वहाँ पे मुझे ये एम्बियंट लाइटिंग नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे से कवर्ड की हुई है कार, अंदर से दिख रही है कुछ ऐसी। एंड ये लव है, लिटरली लव, DSG गियरबॉक्स एंड दिस इज लव। तो मैंने प्रथम को बिठा दिया ड्राइविंग सीट पे, भाई पहले आप चलाओ, आपकी गाड़ी है, पहले मैं नहीं चला सकता। तो फर्स्ट ड्राइव ऑफ प्रथम and this is, ओ भाई hello bro, this is a new car। प्रथम भाई फुल खिच्चा मारने की मूड में, मतलब पहले निकालते ही पहले पूरा खिच्चा मार दिया गाड़ी का, ऐसे नहीं करते ब्रो, ऐसे नहीं, नो। तो ये रहा एसी का पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड एसी की चिलिंग आ रही है बड़ी जबरदस्त। आई लव द स्क्रीन, आवाज सुनो, ओ भाई ये स्टॉक है। हाँ एंड सबसे अच्छा होता है इसका स्टीयरिंग फीडबैक, मतलब एवरी वॉक्सवैगन स्कोडा कार्स स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही अमेजिंग होता है। इसमें स्टीयरिंग बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बैलेंस्ड है एंड एक्चुअल में चलाने में मजा आता है, सीरियसली बता रहा हूँ, चलाने में बहुत मजा आता है। एवरी वॉक्सवैगन कार अगेंस्ट स्कोडा कार्स, BMW कार्स, इनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है कि ये उतना ही वर्क करती है जितनी आप लेके जाते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता इसके अंदर। चला के देखो भैया, चल रॉकेट को चलाते हैं अभी, थोड़ा सा ट्राई करते हैं एंड उसके बाद टाटा बाय बाय करेंगे सबको। एंड कार लग रही है बहुत ही अच्छी एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, फाइनली गाड़ी बाहर आ गई है शोरूम के काफी वेट कराने के बाद। आज तो बहुत वेट कराया भाई इन लोगों ने। चले भैया, तो बिल्कुल चले एंड मैं थोड़ी सी सीट एडजस्ट कर लूं, दिस इज ऑल मैनुअल सीट, मुझे लग रहा था इलेक्ट्रॉनिक होगी बट दिस इज ऑल मैनुअल, बट आई बिलीव वैसे भी ये गाड़ी ना उस पर्पस से। हैंड ब्रेक ये नीचे हो गया, अब इसका हैंड ब्रेक नीचे ऐसे रहता है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये स्पोर्ट्स पे आ गई एंड इसमें मोड्स भी होते हैं, ये डी से है ना, अब मैं एम पे आ गई, ये मैनुअल पे, मैनुअल पे आ गई। हाँ अगर इसको लेफ्ट करोगे तो पीछे, वो तो मुझे पता है, हाँ हाँ ये बस यही है, बस इसमें स्पोर्ट्स मोड कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई मोड नहीं, ओके, मतलब कोई इको मोड नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधी सादी सी गाड़ी
एंड सीधी चलने वाली। इसमें एक सिस्टम आता है कि अगर आप इसको आराम से चला रहे हो ना तो ये सिर्फ दो सिलेंडर पे चलती है। अच्छा, फोर की जगह टू सिलेंडर इंजन आ जाती है एवरेज बचाने के लिए। हाँ भाई, है ना कुछ चीज मजा आ गया। ये तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लग रहा है मैं BMW में बैठूं। लिटरली मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, मतलब मेरी वाली जो BM है 3 सीरीज मेरे को बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। एंड दिस DSG गियर शिफ्टिंग इज सुपर अमेजिंग, सुपर डुपर, मतलब बैठ के मजा आ गया। एंड दिस इज एक्चुअली पावरफुल, मतलब वो 1.5 वाला इंजन है ना, वो उसका फील आ रहा है कि हाँ मतलब है इस गाड़ी में जान है। मजा आ रहा है, ऑल इन ऑल मजा आ रहा है। एंड काफी टाइम के बाद मैं एक ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठा हूँ तो एक वो जो स्मेल होती है ना, एक अच्छी सी अलग ही मजा होता है उसका। हाँ, वो स्मेल अलग होती है, डेफिनेटली वो स्मेल अलग होती है। एंड अच्छी चल रही है ऑल इन ऑल। पैडल शिफ्टर्स भी और इसमें पैडल शिफ्ट, अरे ओ ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ये अच्छी चीज है। तो पैडल शिफ्टिंग मतलब गियर यहाँ से माइनस कर लो, यहाँ से प्लस कर लो, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, बिलीव मी। बहुत अच्छी चीज होती है और ज्यादा स्पोर्टीनेस आ जाती है, स्पेशली ड्रैग रेस वगैरह और ये वो करना होना तो उसके लिए तो बहुत ही अमेजिंग सी चीज है, मतलब सुपर जबरदस्त चीज। एंड गया कोई और ड्राइवर था, आया कोई और है। हाँ कोई बात नहीं, ड्राइवर ऐसे कैसे, ड्राइवर कंडक्टर बनने में 2 मिनट लगते हैं बस। ओके, और कंडक्टर ही ड्राइवर बनता है हमेशा। तो मैं गया था कंडक्टर बन के, फिर अब ड्राइवर बन के आ गया हूँ। और कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ रास्ते बताने होते हैं, लेफ्ट जाना है और राइट जाना है, वो स्क्रीन के पीछे है। वो मैं उसका मेरा इंसान गूगल मैप देख के। चल भाई नाइस, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच भैया, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, मजा आ गया। तो गाइज यहाँ पे आ गया ये वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब दोनों साइड की सीट्स में वेंटिलेशन है। यहाँ पे आ गया वायरलेस चार्जिंग, 2 कप होल्डर, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जर भी दे दिया है। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक बॉटल होल्डर है। एंड कार में एक्चुअल में ये जो फ्रंट, ये जो डैश वाली फीलिंग है, ये बहुत ही अमेजिंग है। स्टेयरिंग व्हील पे ये काफ़ी सारे कंट्रोल्स एंड अ डी कट स्टेयरिंग व्हील, तो काफ़ी स्पोर्टी है। एंड स्टीयरिंग की फील जो है ना, ये भी बहुत अच्छी है, काफ़ी लाइट फीलिंग है एंड अ गुड फीलिंग। तो भाई फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से खुशी हो रही है, मतलब ये गाड़ी आ गई, मजा आ गया। और आप आए, मेरे को बहुत खुशी। अरे ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो काफी दिनों से लोग वेट कर रहे हैं कि टर्बो एक्सट्रीम पे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो टर्बो एक्सट्रीम पे वीडियो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, इसलिए हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इलाज अभी वो कर रहे हैं, जिसमें टाइम लग सकता है। तो अभी कुछ दिनों के लिए डेली शाम को 6 बजे टर्बो एक्सट्रीम गैराज में वीडियोस आएंगे। गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो एंड फॉलो करते रहो टर्बो एक्सट्रीम, मेहनत अपनी पूरी चल रही है एंड प्यार आप लोगों का मिलता ही रहता है हमेशा। तो इसी नोट पे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल शाम को 6 बजे टर्बो एक्सट्रीम गैराज पे। बाय बाय, टेक केयर एंड